औद्योगिक नगरी पीतमपुर सीन बायोटेक कंपनी में कल केमिकल टैंक साफ करने के दौरान घटना में करीब 8 लोग घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत, जिसका नाम संजय सावले निवासी मरी माता टेकरी पीतमपुर बताया जा रहा है। मौत की खबर के बाद परिजन शव को लेकर कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी पर घटना के बारे में परिवार को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए 15 लाख रुपए, केस बच्चे की पढ़ाई के लिए 18 साल तक पेंशन और माता को आजीवन पेंशन की मांग की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कंपनी प्रबंधन से बात करके दोनों पक्षों को समझाइश दी और कंपनी प्रबंधन द्वारा मांग को पूरा कर लिया गया, जिसके बाद परिजन शव को लेकर अपने घर पहुंचे। पीतमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। श्रमिकों के साथ जैसे आज भी यहाँ संगठन आए हैं, समय समय पे जब भी श्रमिकों की जो भी समस्या होती है, न्यूनतम वेतन की होती है, मिनिमम वेजेस की होती है, एग्रीमेंट की होती है, जो भी तमाम श्रमिक कानून लेवल और एक्ट के तहत जो अभी जो घटना हुई है उसको लेकर आप लोग संगठन कोई या किसी को आवेदन देंगे कंपनी के विरुद्ध? हाँ, अभी हमारा 1-2 तारीख में ज्ञापन है BMS का, तो उसमें हम ये भी विषय, हेल्थ एंड सेफ्टी का विषय है, ASI का, हॉस्पिटल का विषय, सारे 10-15 सूत्रीय मांगों के लेकर एक ज्ञापन है। तो ये संज्ञान जो ताजे मामले हैं ये भी हम संज्ञान में। आपका नाम और पद बताइए। दीपक रघुवंशी, भारतीय मजदूर संघ जिला मंडल। मृतक परिवार द्वारा हंगामा किया जा रहा था, किन बातों को लेकर सर समिति बनी है? कंपनी में कल घटना की वजह से और समाजजनों ने यहाँ पर आकर बॉडी ने आकर सिम्बियोटिक कंपनी से कुछ राहत की बात की। राहत सिम्बियोटिक कंपनी और परिजनों के बीच समझौता हुआ, जो लीगल डे है सिम्बियोटिक कंपनी का वो उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। अभी 15 लाख का चेक जारी किया है और जो नाबालिग है उनको बालिग होने तक पेंशन और विधवा को आजन्म पेंशन की उन्होंने घोषणा की है, इसमें ये सब समाप्त हो गया और यहाँ से लाइन आरोप समाप्त। सर, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? देखा जाएगा, इस सिम्बायोटिक कंपनी में यदि लापरवाही हुई है तो लापरवाही में जो निश्चित धाराओं के तहत कार्रवाई की। जी, धन्यवाद। की मौत का मामला आया था, क्या है पूरा मामला और आप परिजन घटित हुए हैं? जी बताएं। पहले तो जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं जैसे जय आदिवासी युवा संगठन शक्ति संगठन से जय तहसील कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और कल यहाँ पे एक आदिवासी भाई की दुर्घटना हो गई थी, जो कि केमिकल कुएं में गिरने के वजह से, तो उसके न्याय के लिए हमारा पूरा संगठन यहाँ पे एकत्रित हुआ था और यहाँ पे प्रशासन ने भी हमारा काफ़ी सहयोग करा और कहीं ना कहीं उनके सहयोग से आज हमारे भाई को न्याय मिला और काफ़ी कुछ चीज़ें, जहाँ तक कि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए उस हद तक यहाँ पे न्याय भी मिला और हम इन चीज़ों से संतुष्ट हैं। इन मांगों को लेकर आपके मांगे ये थी कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था, किस बात को लेकर सभ्यता बनी यहाँ पे जैसे पुलिस प्रशासन ने हमारा काफ़ी सहयोग करा, उन मांगों को लेकर उन्होंने अंदर जाके हमारी बातें तक रखवाई, जहाँ तक अच्छा सहयोग भी मिला परिवार को। मांगे क्या क्या थे? मांगे 15 लाख रुपए कैश और उसके बाद में पीड़ित परिवार जो भाई की जिसकी डेथ हुई है उसको, उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी या फिर उसके बच्चे, ठीक, और पेंशन। आपका नाम और पद? राकेश सिंह ठाकुर, भील। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।